मैं शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे बिना ओवन और बिना बेक किए हुए आप इसे बना सकते हैं। घर के सामानों से ही सिर्फ 3 से 4 चीज से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड, और 2 हमने ओरियो बिस्कुट लिया है 10 वाले, और 2 डेरी मिल्क लिया है 10 वाले। तो हमें सिर्फ 9 ब्रेड की जरूरत है। ये मैंने व्हाइट ब्रेड यूज किया है। और अब हम सारे ब्रेड के जो किनारे हैं उसे निकाल लें। तो इस तरह से हम चाकू की हेल्प से सारे जो इसके किनारे किनारे के जो भाग है लाल वाले, उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि सारे ब्रेड के किनारों हमने निकाल लिया है। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस, और ये जो किनारे वाले भाग निकले हैं उसको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, उसे हम फेंकेंगे नहीं। और अब हमने लिया है एक छोटा सा बाउल, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और थोड़े से पानी डाल करके इसका हम पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, चम्मच से हम चीनी को घोल लेंगे और उसे हम एक साइड कर देंगे। और अब हम लेंगे ओरियो का बिस्कुट और उसे हम इस तरह से अब हम इसके पैक से निकाल लेंगे, और ओरियो बिस्किट के जो उजले वाले पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से क्रीम वाले जो पार्ट है उसे हम चाकू की हेल्प से निकाल लेंगे, और इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसानी से 10 मिनट में ये केक बनने वाली है। तो देखिए, इस तरह से हम व्हाइट वाले जो क्रीम है उसको हम निकाल लेंगे। तो सारे बिस्कुट को हमने इस तरह से देखिए व्हाइट वाले पार्ट को निकाल लिया है। अब हम एक लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हम हाथों से इस तरह से तोड़ते हुए सारे बिस्कुट को डाल देंगे। इस तरह से सारे बिस्कुट को हाथों से क्रश करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। ये घर की जो रूम टेम्परेचर की दूध होती है वही है। तो एक ज़्यादा हमें इसमें दूध की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर जो ओरियो बिस्कुट का घोल है वो पतला हो जाएगा। हमें इसमें बस 1/4 कप ही दूध डालना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, और अब हम एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। तो सारे जो ओरियो बिस्कुट के जो पेस्ट है उसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम लेंगे डेरी मिल्क जो हमने पहले ही रखा हुआ था, उसे हम रैपर से निकाल लेंगे और इसको हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रश कर दिया है कद्दूकस से। और सारे डेरी मिल्क को हमने इस तरह से कद्दूकस करके एक बॉल में निकाल लिया है, और अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में जब हमारा जो केक है वो बन करके तैयार नहीं होता है, क्योंकि बाहर जब रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। तो सारे हम चॉकलेट को रखती हैं फ्रिज में, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। अब हम ब्रेड को कट कर लेंगे हार्ड शेप में। उसके लिए हम लेंगे एक कटोरी छोटा सा, और इस तरह से देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमें हार्ड शेप में इसे रखना है। तो 3 ब्रेड को हम अलग कर देंगे और 6 ब्रेड को हम हार्ड शेप में कट करेंगे। तो कटोरी को हम इस तरह से बीचे बीच रखेंगे और इसके जो किनारे वाले पार्ट है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो 6 ब्रेड को हम इसी तरह से कट कर लेंगे हार्ड शेप में। तो यहाँ देख सकते हैं कि 6 ब्रेड को हमने कट कर लिया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, और प्लेट में हम जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया है ओरियो बिस्कुट का, उसे हम फैला देंगे बीच में। तो यहाँ हमने ओरियो बिस्कुट के सिरप को फैला दिया है। उसके बाद हम 3 ब्रेड लेंगे और तीनों ब्रेड को हम इस तरह से हार्ड शेप में रख देंगे। उसके बाद इस पर हम जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है वो रख देंगे, और पूरे हम जो शुगर सिरप है उसे फैला देंगे एक ब्रश की मदद से पूरे ब्रेड पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ब्रश की मदद से हमने पूरे ब्रेड पर शुगर सिरप को फैला दिया है। उसके बाद इस पर हम चॉकलेट सिरप डालेंगे और उसे भी हम पूरे ब्रेड में फैला। तो इस तरह से हमें प्रोसेस करना है 3 लेयर में। फिर से हम ब्रेड रखेंगे, फिर से हम शुगर सिरप को ऊपर से फैलाएंगे, उसके बाद हम चॉकलेट सिरप रखेंगे। तो इस तरह से 3 प्रोसेस हमें करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने पूरे ब्रेड में इस तरह से कर लिया है प्रोसेस को, और अब हमारा चॉकलेट जो केक है वो तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब डेरी मिल्क का चॉकलेट जो हमने क्रश किया था वो ऊपर से हम फैला देंगे। पूरे ब्रेड में इस तरह से हम फैलाएंगे, और किनारे किनारे से हम चाकू की हेल्प से लगा देंगे ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से पूरे केक में फैल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे चॉकलेट जो हमने पाउडर बनाया था वो केक में हमने फैला दिया है। उसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जो ओरियो बिस्कुट का क्रीम निकला था व्हाइट वाला, उसे हम इस तरह से गोल गोल शेप में बना लेंगे
और किनारे किनारे से इस पर हम लगा देंगे। तो पूरे जो हमने 6 से 7 क्रीम थे उसे हम निकाल करके इस तरह से पूरे केक में सजा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हमने चेरी लगाया है, और आप चाहे तो इसे जेम्स से भी सजा सकते हैं। बच्चे लोग को जो फेवरेट है उसी से आप इसे बना सकते हैं। तो हमारा जो केक है वो बन करके तैयार है। ऊपर से हमने थोड़े से रंग बिरंगे फ्रिंकल से इसे सजा दिया है, और देख सकते हैं कितने यमी और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं केक। तो 10 मिनट में आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों से, बिना बेक किए हुए, बिना ओवन के, बिना गैस जलाए हुए। बहुत ही जल्दी से बनने वाले ये केक है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।